आस्था और विश्वास का महापर्व छठ तिहार से आरंभ होकर के आज विश्व के प्रायः हर देश इसे करते हैं। हर जाति मजहब के लोग इसमें श्रद्धालु के रूप में अपनी भूमिका अदा करते हैं। कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि नहाय खा से लेकर के सप्तमी तिथि उगते सूर्य को अर्घ देने तक छठ पर्व मनाया जाता है। इस दौरान भगवान भास्कर और छठी मैया की पूजा अर्चना की जाती है। छठ पूजा खास तौर पर संतान की कामना और लंबी उम्र के साथ साथ और भी तमाम मनोकामनाओं की इच्छा पूर्ति के लिए की जाती है। चार दिन तक चलने वाला यह व्रत, पहला दिन नहाय खा, उसके बाद खर्रा, तत्पश्चात संध्या अर्घ और सवेरा अर्घ के साथ ही पारण से पूजा जो है संपन्न होता है। इसको लेकर के कई कहानियां प्रसिद्ध हैं, जिनमें से चार मुख्य कहानी इस प्रकार आते हैं। राजा प्रियवध की, सूर्यपुत्र कर्ण की, द्रौपदी की, माता सीता की छठ कथा। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि मुद्गल ने माता सीता को छठ व्रत करने को कहा था। आनंद रामायण के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब रावण का वध किया था तब राम जी पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था। उस दोष को हटाने के लिए, इस हत्या से मुक्ति पाने के लिए कुलगुरु मुनि वशिष्ठ जी ने ऋषि मुद्गल के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी और सीता मैया को भेजा। भगवान राम ने कष्टहरणी घाट पर यज्ञ करवा करके ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति दिलाई थी। वहीं माता सीता को आश्रम में रह करके कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को व्रत करने का आदेश दिया गया था। मान्यता है कि आज भी मुंगेर मंदिर में माता सीता के पैरों का निशान मौजूद है। वर्तमान समय में जिनकी घर अगर घाट से दूर होता देखा जाता है, तो ऐसे परिस्थिति में लोग अपने घरों के प्रांगण में ही छठी मैया और सूर्य देवता का आस्था का महापर्व मनाते देखे जाते हैं। ऐसे कई लोगों को मैंने इस बार देखा कि अपने घर के प्रांगण में व्रत करते देखे गए। इनमें से आइए मेरे स्वयं के अभिभावक, मेरे चाचा चाची अपने समस्त परिवार के साथ अपने ही घर के प्रांगण में छठ पूजा करते देखे जा रहे हैं। आइए इसी से जुड़ा हुआ एक रिपोर्ट को देखते हैं और चीज़ों को विस्तार से समझ कर हम सभी गदगद हो जाते हैं। और जितने भी दर्शक हैं इस न्यूज़ को देख रहे हैं, उन पे छठी मैया और सूर्य भगवान का कृपा दृष्टि सदैव बना रहे, उनका प्यार और आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता रहे और वो अपने जीवन में सर्वथा नित्य अपने हुनर और पहचान का लोहा मनवाते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। ऐसे ही शुभकामना है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स के परिवार के सौजन्य से। जय छठी मैया। शहर से दूर कुदरत के बीच छुट्टियों के कुछ दिन बिताना है तो आयुष जंगल रिसोर्ट आपका स्वागत करता है। डुआर्स के खूबसूरतियों के बीच चारों ओर घने जंगलों से घिरा मूर्ति नदी के किनारे, यहाँ एसी नॉन एसी डिलक्स रूम के साथ साथ आनंद लीजिए स्वादिष्ट और हाइजीनिक खाने का। हमारे यहाँ जंगल सफारी के सुव्यवस्था के साथ साथ पिक एंड ड्रॉप सेवा भी उपलब्ध है। आज ही आए छुट्टियों के कुछ दिन बिताने आयुष जंगल रिसोर्ट गोरुमारा बंगलो के नजदीक न्या मूर्ति नदी लाटागुड़ी।